नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग वुड बी फाइन। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, दो एक्सपेरिमेंट्स। एक तो एसिड का रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनेट के साथ और दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो टेस्ट ट्यूब ए ले लेंगे और टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में डालने वाले हैं एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कौन सा है? Na2CO3, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। और एसिड HCl ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। और हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और टेस्ट ट्यूब बी में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3 प्लस HCl एसिड ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अच्छे से इन केमिकल रिएक्शंस को आप देख लीजिए। और सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए स्टैंड, हमेशा की तरह। उसमें टेस्ट ट्यूब फिट करेंगे अच्छे से, जो कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए है। टेस्ट ट्यूब ए के अकॉर्डिंग हमने वही केमिकल्स डाल देने जो मैंने पहले बताया था। सबसे पहले क्या बताया? मेटल कार्बोनेट कौन सा लिया था? Na2CO3। तो 0.5 ग्राम ऑफ Na2CO3 सॉलिड फॉर्म में ले लेना है, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। फिर इसमें ऐड करना है एसिड, क्योंकि हम एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ले लेना है, जो एसिड है, और दूसरा मेटल कार्बोनेट है। और फिर इसके बाद हमेशा की तरह वैसे ही टेस्ट ट्यूब रबड़ कॉर्क के साथ बंद कर देना है। तो टेस्ट ट्यूब ए के लिए हम साथ साथ केमिकल रिएक्शन में लिख लेंगे Na2CO3 सॉलिड फॉर्म में। उसमें ऐड किया HCl एक्वस, Na2CO3 इज मेटल कार्बोनेट एंड HCl इज एसिड। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब हमने इन दोनों चीज़ों को इस टेस्ट ट्यूब में डाला, तो दोनों ने मिक्स करके हमारे पास प्रोडक्ट देना है। उसके बाद प्रोडक्ट को बाद में लिखेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें हाइड्रोजन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है, जिसे हमने डिलीवरी ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर लिया। जब एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाया, उसका प्रोडक्ट NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो अब बात करते हैं, जो दूसरा टेस्ट ट्यूब हमने लिया था एक एक्स्ट्रा, उसमें हमने डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया। जब दोनों का रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। CaCO3 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। और इसके साथ एक और प्रोडक्ट बन रहा है, जिसे कहते हैं वाटर, और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है। कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट PPTs बनेंगे। PPTs मतलब प्रेसिपिटेट्स, छोटे छोटे नमक की तरह इसका टेक्सचर आएगा। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसे हम नॉर्मली लाइम वाटर भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट PPT सॉलिड फॉर्म, उसमें अगर हम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का, अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में यूज़ कर लें और डाल दें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? अब जो कैल्शियम, तो जैसा कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में मेटल कार्बोनेट लिया था, इस एक्सपेरिमेंट में लेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब बी में। बाकी के एक्सपेरिमेंट वैसे ही है, HCl के साथ रिएक्शन करवानी है, प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद हमने लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया था, जिससे हमें व्हाइट PPT मिले थे कैल्शियम कार्बोनेट के और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। बाकी एक्सेस में फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया था, वो प्रोसेस आप नीचे देख सकते हैं। और जैसे कि टेस्ट ट्यूब ए में हमने किया था मेटल कार्बोनेट, वो आप राइट साइड पे देख सकते हो, रिएक्शन पूरी लिखी है। बस मेटल कार्बोनेट की जगह पे हमने इस रिएक्शन में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया है टेस्ट ट्यूब बी में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।
हमारे वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। ओह नो, सब्सक्राइब करने के लिए तो कहा ही नहीं। ओप्स, मैं सबसे जरूरी बात तो भूल ही गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको जल्दी से पता चल जाए।